सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी और ग्रामर पोर्शन आपका चल रहा था। व्याकरण के भाग में आपका टॉपिक चल रहा था रिपोर्ट राइटिंग। लेटर राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग मैं आपको करवा चुका हूं। एक दो बच्चों के और कमेंट्स भी आए थे, पर्सनल रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर हमें इस पॉइंट पर आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है। मैंने उनका समस्या समाधान कर दिया है, उनको पर्सनली वो भी मैंने लिख के भेज दिया है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप निसंदेह बिना किसी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी और टू योर टीचर्स। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है आपका टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिपोर्ट क्या है, कैसी है। लगभग 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। वर्ड लिमिट आपकी 100 है। प्रिय विद्यार्थियों, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग और आपका लेटर राइटिंग, इन सभी की वर्ड लिमिट आपकी 100 है। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपके आते हैं 12th क्लास में दोनों किताबों में, वो आपको 125 वर्ड्स उनको लिखना है और जो आपके शॉर्ट कंपोजिशन है वो 50 शब्द सीमा में लिखने होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, यहां बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो किसी घटना पर जो मानव के द्वारा या प्रकृति के द्वारा घटित होती है, और एक किसी तथ्य पर, किसी बिंदु पर हम रिपोर्ट लिखते हैं। ये दो प्रकार की होती है। इसमें पहली जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट क्या है, आपको मैंने उस दिन बताया था ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट, ये आपका शीर्षक मैंने उस दिन लिखा था और आपको बता भी दिया था किस किस प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ट्रेन एक्सीडेंट कहां हुआ था, रिपोर्टर कौन, बाई आर के शर्मा, रिपोर्टर ऑफ पत्रिका, आप ये लिख सकते हो। अपना नाम लिख करके आप लिख सकते हो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th लिख सकते हो, रिपोर्टर का नाम लिख दीजिए, या केवल और केवल आप लिखना चाहते हो तो बाई आर के शर्मा, इतना ही लिख दीजिए। रिपोर्टर लिखने की यहां कोई आवश्यकता भी नहीं है। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू राइट हियर रिपोर्टर एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन, इफ यू डोंट वॉन्ट टू राइट इट, देन यू कैन राइट ओनली यूर नेम और द नेम ऑफ द रिपोर्टर और राइटर। जो व्यक्ति इस रिपोर्ट को लिख रहा है उसका केवल आप यह नाम लिख सकते हो। यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे और मैंने आपको उस दिन बता भी दिया था जयपुर, और कॉमा लगा करके आपको तारीख भी बताई थी 19 या 20 तारीख जो भी है, 20 मई ये आप लिखोगे। यदि आप चाहते हो कि इस तरह नहीं लिखते हो तो यहां 20 मई के स्थान पर लिख सकते हो मई 20। द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज मई, मई मींस क्या होता है, मई। इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है, डैश लगा करके और यहां
रिपोर्ट लिखना आपको प्रारंभ करना है। यदि आप याने लिखते हो तो डैश लगा करके आप यहां से रिपोर्ट लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। किस किस प्रकार से ट्रेन एक्सीडेंट रेल दुर्घटना घटित हुई है, क्या हानियां हुई हैं और किस प्रकार की सहायता पहुंचाई गई है, गवर्नमेंट ने, सरकारी तंत्र ने वहां क्या व्यवस्थाएं की हैं, ये आपको इसमें क्या कहते हैं रिपोर्ट में लिखना है। अब यहां बात करते हैं मेन जो स्पॉट है इसका जयपुर, वो तो हमने यहां लिख दिया है, लेकिन जयपुर के अलावा यहां जो आपकी घटना घटित हुई है, जयपुर के अलावा आपका जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई है उस स्थान को भी आप यहां लिखोगे। कैसे लिखोगे, चलते हैं आगे। लास्ट नाइट ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन। यहां आपको यह लिखना है जयपुर में घटना घटित हुई है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर आपका सभी अक्षर कैपिटल बने हुए हैं, मे के सभी अक्षर कैपिटल बने हुए हैं, ये फोकस में रहता ही है। लास्ट नाइट पिछली रात ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट एक गंभीर रेल दुर्घटना टुक प्लेस माने घटित हुई, ध्यान रखना यहां आप हैपन भी लिख सकते हो घटित हुई, लेकिन टेक प्लेस माने भी क्या होता है किसी घटना का घटित होना या किसी कार्य का संपन्न होना टेक प्लेस आता है। यहां मैंने आपको बता दिया इस प्रकार की रिपोर्ट जो किसी घटना पर आधारित होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो घटना हो, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कौन से टेंस लिखे जाते हैं, पास्ट टेंस। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप यदि उसमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो उन सुझाव को एक लाइन या दो लाइन लास्ट आप अंत में प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। अदरवाइज दीज रिपोर्ट्स आर रिटन और प्रिपेयर्ड ओनली इन पास्ट टेंस। तो प्लेस नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन, जगतपुरा रेलवे स्टेशन है जयपुर में, वहां ये हुआ था। जयपुर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस जयपुर बहुत बड़े जयपुर में कौन से रेलवे स्टेशन के पास या किस जगह पर यह घटना घटित हुई है, ये आपको यहां लिखना है। द मरुधरा एक्सप्रेस, मरुधरा एक्सप्रेस बाउंड फॉर वाराणसी गॉट स्मैश्ड। द मरुधर एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस जो ट्रेन है बाउंड फॉर वाराणसी, जो बनारस के लिए जा रही थी, बाउंड माने बंधी हुई थी, सुनिश्चित थी, गॉट स्मैश्ड, वो क्या हो गई, टूट गई। स्मैश माने चकनाचूर हो जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, चकनाचूर हो जाना, क्या लिखते हैं स्मैश, SMSH। द इंजन एंड फ्रंट फोर बॉगीज वर डीरेल्ड।
एंड स्मैश्ड कंप्लीटली। इंजन और आगे के चार डिब्बे, फ्रंट माने आगे के, फोर माने चार, बॉगीज माने डिब्बे। यहां डिब्बे के लिए एक शब्द और है प्रिय विद्यार्थियों, वो कौन सा है? कंपार्टमेंट। कौन सा? कंपार्टमेंट, वो भी आप यहां लिख सकते हो। चार डिब्बे वर डीरेल्ड, क्या हो गए थे? पटरी से उतर गए थे। एंड स्मैश्ड, और क्या हो गए थे? वो चकनाचूर हो गए थे। कंप्लीटली माने पूरी तरीके से। देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, एक बहुत बड़ी हानि थी। ग्रेट लॉस माने बहुत बड़ी हानि। प्रिय विद्यार्थियों, एल ओ एस ई लूज और एल ओ डबल एस लॉस, हानि, ध्यान रखना। ये आपकी वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म ये क्या लिख सकते हैं? लॉस्ट। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। ये लूज मन होता है खोना। ए ग्रेट लॉस, पीपल वर जंपिंग फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज इन पैनिक। लोग घबराहट में दरवाजे और खिड़कियों से कूद रहे थे। इन पैनिक माने किसमें? घबराहट में। पैनिक का मतलब घबराहट। आगे लिखिए नेक्स्ट, इसमें पैनिक से आगे। देयर वॉज, देयर वर लिख लेना, ह्यूज एंड क्राइज एवरी वेयर। प्रत्येक जगह क्या थी? ह्यूज एंड क्राइज। ह्यूज एंड क्राइज का मतलब क्या होता है? चीख पुकार। चारों ओर क्या थी? चीख पुकार थी। यानी कि लोग चारों ओर चीख पुकार कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। चलिए नेक्स्ट, आप इसको कॉपी कीजिए, यहां से आगे मैं फिर और लिखता हूं। या आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या वीडियो को पॉज कीजिए। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैन विमेन आगे लिखना है, इसी से पहला से नहीं करना है अभी। मैन विमेन चिल्ड्रन All were crying in pain, सभी, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सभी दर्द में चीख रहे थे। The injured and wounded were taken to the nearest hospitals। घायलों को निकटतम अस्पतालों में ले जाया गया था। द रेस्क्यू टीम, बचाव दल। रेस्क्यू माने क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? बचाव। और टीम माने क्या होता है? दल। रीच्ड
पहुंच गया, बचाव दल पहुंच गया द एक्सीडेंटल स्पॉट इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही। बचाव दल था वो जल्दी ही कहां पहुंच गया, दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था। दे हेल्प्ड द पैसेंजर्स, उन्होंने यात्रियों की क्या की, सहायता की। इन्होंने बचाव दल ने अस्पताल पहुंचाने में, दवाई वगैरह देने में, इस तरीके से। यहां से आगे आपको पैराग्राफ चेंज करना है सभी को, यहां से। द रेल मिनिस्टर, मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रेन मिनिस्टर कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, रेल मिनिस्टर। द रेल मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस्ड, रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल ने अनाउंस्ड घोषणा की, 2 लाख रुपीज फॉर ईच डेथ, प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की, एज ए कंपेंसेशन, किसके रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में। द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द पैसेंजर्स, यात्रियों की सहायता करने के लिए जो राज्य सरकार है वो भी अपने क्या कहते हैं सहायता करने की कोशिश कर रही है। पहला चयन नहीं करना है, यहीं से आगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट is also trying to find out the cause of accident, मतलब केंद्र सरकार भी इस क्या कहते हैं एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारणों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिस इज वाई, अब ये हमने यहां अभी लिखा है, कारण क्या है कि पूरा का पूरा पास्ट में घटित हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसी पॉइंट पर, यानी कि जो भी वह घटना घटित हुई है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, उसी एक्सीडेंट पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में हमने यहां इसको किस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में। क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव अभी भी है, सरकार इसका पता लगाने की कोशिश वर्तमान कल से कोशिश कर रही है, आज भी कर रही है, तो इसका प्रभाव प्रेजेंट टेंस में भी है, इसलिए हमने ये पंक्ति किस में लिखी है, प्रेजेंट में, आपको बता दिया। कोई भी सजेशन से सुझाव, लास्ट में आप एक या दो पंक्ति प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। दिस इज वाई, यही कारण है, कौन सा कारण है, द गवर्नमेंट
यही कारण है ए कमीशन वॉज सेट अप, प्रेजेंट में लिख लीजिए, हैज बीन सेट अप कमीशन यानी कि आयोग, कमीशन ये तो कमेटी लिख दीजिए, एक एन इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एक जांच आयोग, हैज बीन सेट अप माने स्थापित किया गया, बना गया है, टू द इफेक्ट, इस प्रभाव में, कौन से प्रभाव में जांच आयोग बैठा गया है, ये जो प्रभाव हुआ है, ये जो ट्रेन एक्सीडेंट का प्रभाव हुआ है, इसी में एक जांच आयोग का भी गठन किया गया है। यहां इसमें यही बात बताई गई है कि किस किस तरीके से घटना घटित हुई है, किस किस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट घटित हुआ है और किस किस तरीके से लोग उनमें पैनिक में, घबराहट में खिड़कियों से कूदने लगे, भागने लगे और वे सभी दर्द में चिल्लाने लगे, चीखने लगे और फिर घायलों को निकटतम अस्पताल में भी ले जाया गया था। ये चीज यहां है। फिर गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या किया है, ये बात यहां आती है कि गवर्नमेंट इसका क्या प्रबंध कर रही है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या हो सकता है आपने इसको वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने साथ साथ उतार लिया होगा। इस तरह के इसमें कोई शब्द नहीं है जिसको मैं बार बार तुम्हारे दोहराऊं। कमीशन का मतलब आयोग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप अच्छी तरह जानते हो, सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ध्यान रखना, ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट मान होता है प्रभावित करना और ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट मान क्या होता है प्रभाव। रेल मिनिस्टर का मतलब रेल मंत्री, अनाउंसमेंट माने होता है घोषणा की और कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति होता है। ओके डियर्स, द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द पैसेंजर्स, राज्य सरकार भी यात्रियों को सहायता करने की सबसे अच्छी कोशिश कर रही है। ये आपकी पहली रिपोर्ट, एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट है, इवेंट वाली नहीं। पहले एक दो एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट लिखा देते हैं और फिर इवेंट वाली, एक्सीडेंट वाली जैसे भी कुछ आती हैं। एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो आपका मैन मेड हो, इंसान के द्वारा कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, कोई दुर्घटना घटित हुई हो या फिर कह सकते हैं किसी प्रकृति के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया गया हो, तो ये दोनों ही प्रकार की रिपोर्ट में आती है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहलाती है। और इवेंट का मतलब होता है किसी सुखद घटना का वर्णन या दुखद घटना का वर्णन भी हो सकता है, लेकिन अचानक से नहीं, वो धीरे धीरे उस घटना को अपन प्रायोजित करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी घटना, दुखद घटना को हम प्रायोजित करें, क्योंकि जिस कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं तो वो आयोजन हमेशा से ही सुखद घटनाओं के लिए होता है, दुखद घटना अचानक से घटित होती है उसका आयोजन नहीं किया जाता। जो भी आयोजन होते हैं वो इवेंट में आते हैं और जो आयोजन अचानक से होते हैं, कोई घटना अचानक से घटित होती है, वो एक्सीडेंट में आती है सही सभी। चलिए, यहां से आगे अगला जो रिपोर्ट है आपकी वो है बैंक रॉबरी। बाई केपी सक्सेना, ये आपका अगली रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात करते हैं बैंक रॉबरी, ये भी आपका एक्सीडेंट में ही आता है, क्योंकि इसका आयोजन थोड़ी करते हैं कि हम बैंक में बैठ करके सभी एक दो और कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ग्राहक उपभोक्ता, उनको बुलाते हैं, बैंक कर्मचारी होते हैं, फिर हम उनका क्या करते हैं, आयोजन करते हैं कि उनको निमंत्रण देते हैं रॉबर्स को, लुटेरों को, कि आपको इतने बजे आना है, फिर उनको वहां बैठा करके उनका स्वागत किया जाता है, फिर बैंक लूट के ले जाते हैं। इस तरह के नहीं है,
ये भी एक दुखद घटना है, अचानक से घटित होती है। पता नहीं कौन किसने बैंक को लूटा है, किस किस प्रकार से आए, क्या उनकी योजना थी, अचानक से आए और बैंक को लूट करके ले गए और जो भी उनके रास्ते में आया उनको वो या तो घायल कर गए या फिर उनको वो गोली मार गए, जो भी है। ये आपको बैंक रॉबरी में उसी प्रकार से लिखना है। ऐसे ही एक्सीडेंट घटित होते हैं, जैसे फ्लड, ड्रोनिंग एक्सीडेंट डूबने की दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट सड़क की दुर्घटना। ड्रोनिंग एक्सीडेंट का मतलब होता है आपका डूबने की दुर्घटना, जैसे कि अर्थक्वेक स्ट्राइक भूकंप के झटके, अर्थक्वेक स्ट्राइक इन केदारनाथ। आपको पता हो, ध्यान हो, 3-4 वर्ष पहले केदारनाथ धाम में बहुत बड़े भूकंप के झटके आए थे और बाढ़ भी वहां आई थी, तो वहां पूरी तरह विनाश हो गया था। अर्थक्वेक स्ट्राइक इन कच्छ गुजरात में भूकंप के झटके आए थे। कठुमर खेडली यहां भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट तैयार करने के, इस प्रकार से भूकंप झटके महसूस किए गए थे, क्या हानि हुई थी, जमीन जो है वो कांपने लगी, अर्थ क्वेकिंग करने लगी थी, और क्या हुआ था कि मकान वगैरह जो थे वो सब ध्वस्त हो गए थे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हो गए थे, और फिर क्या हुआ था, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, रेस्क्यू टीम है वो वहां पहुंची, मेडिकल टीम है वो वहां पहुंची, और जो सहायता चीजें वो वहां पहुंचाई गई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो आपूर्ति है वो बाधित हो गई थी, वाटर सप्लाई वो भी बाधित हो गया था। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि कौन कौन सी चीजें अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण घटित हुई है। अब मान के चलिए भूकंप के कारण जो घटित हुआ है, अकाल, ड्रॉट, आप एक चैप्टर भी है माय डियर्स अकाल ड्रॉट नाम का, मान के चलिए ड्रॉट अकाल पर कोई रिपोर्ट तैयार आती है, सूखा या अकाल, तो उस पर दो प्रकार रिपोर्ट तैयार की जा सकती है कि ड्रॉट है क्या और एक ड्रॉट कैसे आया। अब ड्रॉट एक प्रक्रिया तो है नहीं कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि ये बैंक रॉबरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में पूरा कंप्लीट काम हो चुका था, बैंक लूटी जा चुकी थी। इससे पहले क्या लगा था, ट्रेन एक्सीडेंट 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गई थी, लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, गवर्नमेंट ने भी अपनी क्या कहते सहायता वक्त की थी, इतना समय लगा। इसके अलावा आपको यह मैं बता देता हूं, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कि भूकंप इस तरीके से आया और 2-4 मिनट में ही वो सब कुछ तबाह करके चला गया, और गवर्नमेंट भी अपनी प्रयास करे, एनजीओ प्रयास करे लोगों सहायता करने, लेकिन अकाल जो है, अकाल एक छोटी प्रक्रिया नहीं है कि 10 मिनट में सूखा पड़ा, 2 घंटे तक सूखा पड़ा, 4 दिन तक अकाल पड़ा, नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। अकाल ड्रॉट का मतलब द प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन ऑफ रेनलेसनेस, लंबे समय तक वर्षा विहीनता की स्थिति, 10 वर्षों तक बरसात ही नहीं हुई है, 15 वर्षों तक बरसात ही नहीं हुई। आज की खैर कंडीशन की मैं बात करता हूं, आज का जो कंडीशन है वो अलग है, वी आर लिविंग इन टेक्निकल एज, हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, जमीन को तोड़ करके भी हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत पहले पानी का एक ही मात्र साधन होता था, वो बरसात का। दूसरा साधन जो होता था वो कौन सा होता था, नदियों के द्वारा, लेकिन जब बरसात नहीं होगी नदियां भी सूख जाती हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जब वर्ष बहानी नदियां हैं, पूरे वर्ष बहती हैं, वहां अकाल की स्थिति नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जब पूरे वर्ष नदियां बहती नहीं है और बरसात भी नहीं होती है। राजस्थान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, राजस्थान लार्जली अफेक्टेड टू दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस आपदा का शिकार ज्यादा रहा है। किसका, ड्रॉट का, अकाल का। तो अकाल के ऊपर हम रिपोर्ट किसी घटना पास्ट में न लेकर के प्रेजेंट में लिखें तो ज्यादा बेटर है कि अकाल क्या होता है, कैसे घटित होता है, क्या स्थिति हो जाती है लोगों की, ये लिखना है, क्योंकि उसमें विशेष नहीं लिखना है कि इतने लोग मर गए, ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है, 10-12 वर्षों की प्रक्रिया है और 12 वर्ष का विवरण हम छोटे से उस रिपोर्ट में लिख नहीं सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको लिखाई जाएगी ड्रॉट पर, लेकिन वो लिखाई कैसी जाएगी, आपको केवल और केवल फैक्ट तथ्य पर आधारित। हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, बैंक रॉबरी के बारे में। चलते हैं, आपको यहां
यहां से शुरू करते हैं खेल ली। कितना तारीख है आज? 20 मई। यस्टरडे कल पंजाब नेशनल बैंक रेलवे स्टेशन रोड ब्रांच वॉज लूटेड। लूटेड ध्यान रखना ये प्रिय विद्यार्थियों, LOOT। लूट माने क्या होता है? लूटना। आपको लगेगा सर ये कैसा शब्द है, लूट मन लूटना? यस हां प्रिय विद्यार्थियों, LOOT लूट मन लूटना। JUNGLE जंगल माने होता है जंगल या वन। BAZER बाजार, बाजार मन बाजार या मार्केट। JAIL जेल, जेल माने जेल या कारावास। ये सभी शब्द हैं, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन दीज वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। मतलब अंग्रेजी के शब्द तो ये हैं, लेकिन ये सभी शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में अंग्रेजों ने नहीं दिए थे, ये शब्द भारतीय अंग्रेजी के शब्द हैं। भारतीय अंग्रेजी के शब्द हैं जंगल है, जेल है, लूट है, ये सभी ऐसे शब्द आते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, कहीं आपको लगे सर लूटेड ये कौन सा शब्द आ गया। वैसे इसमें और आप अंग्रेजी का शब्द लिखना ही चाहते हो तो एक शब्द है ROBED, रॉब्ड माने लूट लिया गया। ROBED रॉब माने क्या होता है? लूटना। यहां लिखा है ना रॉबरी, बैंक रॉबरी, बैंक लूट। ब्रांच वॉज लूटेड एट अबाउट 11 AM। इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखिए हमने AM लिख दिया है। एट अबाउट 11 AM ए ब्लैक एम्बेसडर स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। देयर वर 6 रॉबर्स इनसाइड। दे हैड मास्क ओवर देयर फेसेस। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स। दे केम आउट, वो बाहर निकले। They hit the guard they entered in। यहां तक आप इसको उतारिए, मैं आपको यहां से आगे इसका क्या कहते हैं हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूं और समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। प्रिय विद्यार्थियों यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार की आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत सरल है, क्योंकि ये रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है।
और इनमें अधिक कुछ नहीं लिखना है, सीधी सीधी एक घटना का विवरण होता है। आप इसको जल्दी से उतारिए या इसका कॉपी कीजिए और या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मुझे लगता है आपने इसको उतार लिया होगा। बात करते हैं, यस्टरडे कल पंजाब नेशनल बैंक रेलवे स्टेशन रोड ब्रांच वाज लूटेड। खेलने की बात हो रही है, कल पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी रेलवे स्टेशन रोड ब्रांच, रेलवे स्टेशन के पास जो शाखा है ना, वो शाखा वाज लूटेड, माने लूट ली गई थी, रॉब कर ली गई थी। एट अबाउट 11 AM लगभग 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे, एक ब्लैक एम्बेसडर, एक काली सी एम्बेसडर, माने कौन सी एम्बेसडर गाड़ी। चलिए पहले यहां बात करते हैं, कुछ विद्यार्थियों का यह प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट इज मीन बाय एएम। एएम का मतलब क्या होता है भैया, सुबह जो 12 बजे तक का समय होता है वो क्या कहलाता है, एएम, और इसको कहते हैं हिंदी में पूर्वान्न, और एएम के बाद में दोपहर 12 से रात के 12 तक उसको कहते हैं पीएम, और हिंदी में कहते हैं अपरा। ओके डियर्स, हाँ इसमें एक बात और हो सकती है, कुछ विद्यार्थी बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और वो मैं बता रहा हूं एएम और पीएम का, तो वो सोच रहे होंगे सर इतना तो हम ही जानते हैं, वी ऑल नो दैट एएम का मतलब सुबह और पीएम का मतलब शाम, तो तुम क्या बता रहे हो इसमें, वी आर आस्किंग यू दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम एंड पीएम। ये आपका प्रश्न हो सकता है कि एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। एएम का मतलब एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम होता है, ये ध्यान रखना। एएम पीएम, एक ब्लैक एम्बेसडर, एक काली सी एम्बेसडर गाड़ी, ध्यान रखना एम्बेसडर को हम राजदूत कहते हैं, किसमें, हिंदी में, लेकिन यहां एम्बेसडर का मतलब राजदूत नहीं बोलेंगे। एम्बेसडर एक गाड़ी होती है, आपको पता हो कई बार आपने मूवीज में फिल्मों में देखा होगा, सफेद रंग की गाड़ी होती है, दोनों तरफ एक जैसी होती है, और विशेषकर पहले, आज तो नहीं लेकिन पहले ये जो गाड़ियां एम्बेसडर गाड़ियां होती थी वो विशेषकर मंत्रियों को उपलब्ध कराई जाती थी। एम्बेसडर गाड़ियां बहुत पहले, उनके ऊपर लाल बत्ती लगी होती है और वो बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसी साइज होती है उनकी, छोटी होती है, इस प्रकार की गाड़ी होती है, वो एम्बेसडर गाड़ी कहलाती है। हालांकि अब वो प्रचलन में बहुत कम है क्योंकि नई गवर्नमेंट ने अलग प्रकार की गाड़ी उपलब्ध करवाई है। तो यहां एम्बेसडर का मतलब राजदूत नहीं है, एम्बेसडर गाड़ी का नाम है एक ब्लैक एम्बेसडर, एक काली सी एम्बेसडर गाड़ी, स्टॉप माने रुकी, इन फ्रंट ऑफ द गेट, किसके सामने, दरवाजे के सामने। देयर वर 6 रॉबर्स इनसाइड, उस गाड़ी के अंदर कितने लुटेरे थे, 6। दे हैड मास्क ओवर देयर फेसेस, उनके चेहरों पर क्या थे, मास्क माने मुखौटे थे, मास्क अभी भी लगाते हैं कोरोना के कारण, लेकिन यहां मास्क मतलब मुखौटे, मुंह ढके हुए थे उनका, ओवर देयर फेसेस, अपने चेहरों की, ध्यान रखना जब कोई भी चीज पूरी तरीके से ढकी हुई हो किसी चीज के ऊपर तो वह हम किसका प्रयोग करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ओवर का। मान के चलिए ये जो डस्टर है, ये सॉरी मार्कर है, ये मेरे हाथ पर है, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। लेकिन एक चादर लाता हूं, ये एक डस्टर, ये मेरे हाथ पर है, लेकिन डस्टर और बड़ा होता और ये डस्टर मेरे हाथ को पूरी तरीके से ढक लेता तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का, ये ध्यान रखना। ऑन प्रपोजिशन, जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर टचिंग पोजिशन होती है, ऑन लगाते हैं, लेकिन चारों ओर से ढक लेता है तो क्या लगाते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। तो वहां मास्क उनके चेहरों पर थे, ढके हुए थे। दे हैड गन्स, उनके पास बंदूकें थी, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। दे केम आउट, वो बाहर निकले। दे हिट द गार्ड, उन्होंने पहरेदार को, गार्ड को चोट मारी। दे इंटर्ड इन, और उन्होंने अंदर प्रवेश किया। इन, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी, एक बात और बता देता हूं यहां,
इंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इन या इनटू प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। इन या इनटू प्रपोजिशन इंटर के बाद कभी नहीं लगाते हैं। आप कह रहे हो सर आपने इन क्यों लगाया है, ये इन इस जगह पर प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन कहां आता है, किसी भी संज्ञा से पहले आता है, लेकिन यहां तो संज्ञा है ही नहीं। मैं इसमें कहता आई एंटर्ड इन टू द रूम या आई एंटर्ड इन द रूम तो गलत था, क्योंकि एंटर के बाद प्रपोजिशन ये नहीं आता है। ये जो इन है ना, ये प्रपोजिशन नहीं है इस जगह पर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसका मतलब क्या होता है, उन्होंने अंदर प्रवेश किया। इन माने यह मैं अर्थ नहीं है, इनका अर्थ क्या होगा यहां, अंदर। इन माने अंदर, यह अर्थ होगा इसका। द गनमैन बीकेम अनकॉन्शियस। द गनमैन पहले था जो गार्ड था जिसको उन्होंने चोट मारी थी, वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। द रॉबर्स कट द टेलीफोन वायर। लुटेरों ने अंदर प्रवेश करते ही क्या किया, टेलीफोन के तार काट दिए। मोबाइल वगैरह भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बैंक में टेलीफोन होता है उसके तार उन्होंने काट दिए, जिससे कि कोई भी टेलीफोन ना कर सके। दे स्नैच द मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स फ्रॉम द स्टाफ एंड द कस्टमर्स। उन्होंने स्टाफ से, ग्राहकों से वो क्या कहते हैं, मोबाइल फोन वो छीन लिए थे। दे थ्रिएटन पीपल, उन्होंने लोगों को धमकाया, धमकी दी। इफ एनी वन ट्राई टू टच द अलार्म, ये उन्होंने लोगों को धमकाया, दी कोई व्यक्ति अलार्म को क्या करता है, टच करने की कोशिश करता है, अलार्म घड़ी होती है उसको, ही और सी, तो उसे वुड बी शूट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको गोली मार दी जाएगी। ये उन्होंने धमकाया था। अब आपको यहां से पैरा चेंज करना है। दे टोको द की फ्रॉम द कैशियर एट द पॉइंट ऑफ गन, बंदूक की नोक पर उन्होंने कैशियर से चाबी ले ली एंड लॉक्ड द स्टाफ इन ए रूम, और एक कमरे में पूरे स्टाफ को लॉक कर दिया। They filled their bags
विद कैश। उन्होंने अपने थैलों को किससे भर लिया? कैश से भर लिया। द सेम ब्लैक कार वाज वेटिंग फॉर देम, और वही काली रंग की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दे रेन अवे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पुलिस केम देयर, पुलिस वहां आई। इट वॉज रिपोर्टेड दैट अबाउट 20 लाख रुपीज कि लगभग 20 लाख रुपए वर लूटेड। द पुलिस, अब यहां प्रेजेंट में लिख देना, इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और लास्ट और लिख लीजिए लाइन इसमें, द रॉबर्स हैव नॉट बीन या हैव नॉट बीन अरेस्टेड येट, यानी कि लुटेरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये आपकी दूसरी रिपोर्ट हो गई है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिस शब्द का हिंदी अर्थ और अच्छे से कराना पड़े। स्टाफ इन्हें रूम में, कमरे में स्टाफ को बंद कर दिया। दे फिल देयर बैग्स, स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से, मैं साइड में हूं, जल्दी से आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है। और स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको फिर दूसरा लिखना है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। एक इवेंट लिखते हैं यहां से आगे। इवेंट का मतलब जिसका हम आयोजन कर रहे हैं। ए सेमिनार, चलो यहां लिखता हूं, ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर एक सेमिनार, ये आपको इसमें लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, दो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, और दोनों रिपोर्ट जो मैंने आपको लिखाई थी वो रिपोर्ट कौन सी थी? आपकी एक्सीडेंटल, जिन दोनों में एक्सीडेंट हुआ था, जिन दोनों में कोई ना कोई घटना घटित हुई थी। और वो घटना कौन सी हुई थी? एक तो हुई थी बैंक रॉबरी की, और एक जो घटना हुई थी वो थी ट्रेन एक्सीडेंट की। अब जैसे कि आप लिख रहे हो फायर एक्सीडेंट, अग्नि दुर्घटना, तो वो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कहलाएगी। और ये इवेंट है, इवेंट का मतलब ऐसी घटना, एक आयोजन जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि ए सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर एक गोष्ठी। सेमिनार माने क्या होता है? गोष्ठी। ये ध्यान रखना आप इसका क्या कहते हैं तुम्हारे हिंदी में, क्लास 12th में हिंदी में
कुछ ऑफिशियल वर्ड्स आते हैं, मतलब अंग्रेजी आती है हिंदी में, हिंदी का पेपर लगता है 12वीं क्लास का कंपल्सरी का, उसमें आपको इंग्लिश के दो शब्द आते हैं और उन दोनों शब्दों को आपको हिंदी में लिखना है। वो शब्द इतने सरल आएंगे कि आप उनका अंग्रेजी तो जानते हो लेकिन हिंदी नहीं जानते, जैसे कि सेमिनार, सेमिनार के हिंदी क्या है, गोष्ठी। तो ऐसे कोई भी शब्द आपको आते हैं, मैं या बोलता चलता हूं या आपको हिंदी में सहायता करेंगे, आप उनको अवश्य लिख लेना। तो अगला है सेमिनार स्वाइन फ्लू पर। स्वाइन फ्लू एक जो है एक वायरस है, शायद H1N1 या N1H1 से होता है ये स्वाइन फ्लू। तो ये जो मेडिकल पैरलांस है, चिकित्सा की भाषा है, उसमें हम बात करेंगे इसमें H1N1। तो यहां जब बात करते हैं स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे है, अभी तो कोरोना वायरस की बात हो रही है, मैं आपको कोरोना वायरस पर भी एक रिपोर्ट लिखाऊंगा, डोंट वरी माय डियर्स, कोरोना वायरस पर भी एक रिपोर्ट लिखाऊंगा। और कोरोना वायरस जिस प्रकार स्वाइन फ्लू है ना, उसी प्रकार से कोरोना वायरस पर रिपोर्ट लिखा दी जाएगी। स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे है, कहां से यह फैला, क्या इसका है, हमने एक सेमिनार का आयोजन किया था हमारे स्कूल में, बहुत से लोगों ने उसमें भाग लिया था, बच्चों ने उसमें भाग लिया था, और हमने मेडिकल कॉलेज से एक प्रोफेसर बुलवाए थे, उन्होंने स्वाइन फ्लू पर अपने क्या कहते हैं अपनी बातें बताई थी, कुछ लक्षण बताए थे, स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, क्या है ये, कंटेजियस डिजीज है, ये आपको उसमें लिखना है, कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन लक्षण होते हैं स्वाइन फ्लू के, ये सारी चीज उसमें लिखनी होती है। तो स्वाइन फ्लू पर जो रिपोर्ट है वो आपको इसमें कल लिखाई जाएगी। हाँ, इसमें भी आपको यहां आपका स्थान जरूर लिखना है, यहां आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है, यानी कि डेट वगैरह, और यहां क्या लिखना है आपको, प्लेस यानी स्थान, या जिसको कह सकते हैं वेन्यू, VENUE, वेन्यू माने क्या होता है, स्थान। तो ये आपको स्वाइन फ्लू के बारे में कल लिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शुरुआत रिपोर्ट की बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत सरल है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा सरल टॉपिक है ये, हालांकि है तो कंपोजिशन लेकिन सरल है, इसमें आपको पास्ट टेंस में आराम से इसको बना लोगे, क्योंकि इसमें सेंटेंस भी सीधे सीधे और सरल होते हैं, ये मैंने आपको बता दी, रिपोर्ट में सेंटेंस सरल भाषा में लिखा जाता है, और जो आपका क्या कहते हैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट है वो तो बहुत सरल भाषा है, तो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, उसी प्रकार की है ये। चलिए चलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं आप लगातार पढ़ते चलिए, ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ उठाइए, जिससे आगे आने वाले भविष्य में आपको इनका बेहद लाभ मिले। ओके डियर्स, वीडियो को क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, थैंक यू वेरी मच।